समर्थ गुरु जी हमारे पहुंच चुके हैं। जय माता दी। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है परशुराम मंदिर से। हमारे साथ अशोक अंकल जी भी हैं। आज के प्रोग्राम के बारे में बताएंगे आपको। जय परशुराम जी की। सबको राम राम। और जो भी पिछले दिनों गणेश चतुर्थी हुई है उसकी भी सबको बड़ी बड़ी शुभकामनाएं। भगवान का बड़ा बड़ा आशीर्वाद है। ये परशुराम धाम मंदिर है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। तो आज का कार्यक्रम ये ओशोधारा वालों का है। ये कार्यक्रम चल रहा है, शिविर चल रहा है एक दिन का। बड़ी दूर दूर से लोग यहाँ पे आए हुए हैं और यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति, योग की प्राप्ति किस प्रकार से, ध्यान किस प्रकार से किया जाता है। तो हमारा यही प्रयास है कि एक तो स्वच्छता की ओर ध्यान दिया जाए। हमने पिछले 2 साल से, अब मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, तो ये अखनूर में हमने एक बीड़ा उठाया है कि चंद्रभागा जो है उसको स्वच्छ किया जाए, उसके मार्ग को स्वच्छ किया जाए। और आसपास के जो मंदिर, जैसे गुरुद्वारा काली माता का मंदिर, परशुराम जी का मंदिर, कामेश्वर मंदिर, साथ में वो भी बताओ जो हमने आरती की हुई है वहाँ पे चंद्रभागा की, उसके लिए हमने पहले भी बताया था सबको, एक बार फिर से बताओ। तो अभी ज़्यादा बार तो बताऊंगा तो लोग कहेंगे कुछ और कहेंगे, लेकिन एक हमने गंगा के पैटर्न पे यहाँ पे आरती शुरू की है। अभी तो मौनी महाराज, जहाँ मैं स्वयं करता हूँ, लेकिन हमारे मौनी महाराज जी जो पुली वाले आश्रम में आए हुए हैं, उनका ये उद्देश्य है कि यहाँ पे कम से कम 5 पंडित जो हैं वो एक साथ ही, मतलब जैसे गंगा पे आप देख करते हैं, तो उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। आप सब लोगों का सहयोग चाहिए, आपका सहयोग केवल तन और मन का चाहिए। तो इसलिए मैं सब लोगों से प्रार्थना करूंगा कि आप कभी किसी तीर्थ में जाते हैं, कभी किसी तीर्थ में, तो ये गंगा का तीर्थ जो है ये किसी से कम नहीं है। चंद्रभागा का जो तीर्थ है ये किसी से कम नहीं है। तो आज यहाँ पर हमारे हाल में, परशुराम हाल में जो है ओशोधारा का जो कार्यक्रम है, ये आपको वीडियो उसकी दिखाएंगे बाद में, भंडारा वगैरह चल रहा है। तो कम से कम 400-500 आदमी जो है यहाँ पे आए हुए हैं लोगों से। और आज जो भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, मैं उनसे प्रार्थना करूँगा कि हर मंगलवार को यहाँ पे परशुराम मंदिर से पिछले 3.5 साल से जो है लगातार हनुमान चालीसा का पाठ, आजकल उसका समय जो है 6 से 7 कर दिया है, गर्मियों में 7 से 8 होता है। तो आप आएँ और भगवान के शरण में बैठ करके 10 मिनट के लिए ध्यान करें, एक अलग किस्म का जो है वो आनंद आता है। ये आप सब देख सकते हैं, स्वागत के लिए खड़े हैं, हमारे समर्थ गुरु जी पहुंचने ही वाले हैं बस।
शिव ने जिस सनातन धर्म चक्र का प्रवर्तन किया चलता रहा चलता
गीता रुक गई, उसके बाद भगवान राम आए। भगवान राम ने उस धर्मचक्र को फिर से गति दी और फिर से धर्मचक्र जीवन रूप में चल रहा है। लेकिन भगवान राम के 2500 साल के बाद फिर धर्मचक्र रुक गया। उसके बाद भगवान कृष्ण आए, उन्होंने धर्मचक्र को फिर से नई गति दी और भगवान कृष्ण का जो धर्मचक्र है वो 2500 साल तक जीवन रूप में चलता रहा। लेकिन उनके 2500 साल के बाद धर्मचक्र की गति ठहर गई। उसके बाद 2500 साल बाद भगवान बुद्ध आए, उन्होंने फिर से धर्मचक्र परिवर्तन किया। लगभग 2500 साल बीत गए और धर्मचक्र की गति रुक गई। उसके बाद भगवान ओशो आए, उन्होंने धर्मचक्र को नई गति दी और कहा इस धर्मचक्र को आगे परम गति से ले जाने का दायित्व हमारे शिष्यों पर है। वो तुम सब की ओर इशारा कर रहे थे, अब हम सबका दायित्व है कि इस धर्मचक्र को हम कितनी गति देते हैं ताकि ये धर्मचक्र 2500 साल चलता। उस सनातन धर्म के 5 स्तंभ हैं। धर्म को ठीक से जानना है, धर्म रक्षा रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करते हैं धर्म उनकी रक्षा करता है। अगर तुम सब चाहते हो तो सुरक्षित रहो, आगे आने वाले वर्षों तक सैकड़ों वर्षों तक तुम्हारी पीढ़ियां सुरक्षित रहे तो तुम्हें धर्म की रक्षा करनी पड़ेगी। और ये धर्म की रक्षा तुम भी सुरक्षित रहोगे, तुम्हारी पीढ़ियां भी सुरक्षित रहेंगी। इसलिए किस धर्म को सुरक्षा देनी है, किस धर्म के लिए गुरु अर्जुन देव जी ने बलिदान दिया, किस धर्म के लिए गुरुदेव बहादुर ने बलिदान दिया, किस धर्म के लिए गुरु गोविंद सिंह लड़ते रहे, किस धर्म के लिए शिवाजी लड़ते रहे, किस धर्म के लिए लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानी दे दी, उस धर्म को पहले ठीक से जानो। उस धर्म के 5 स्तंभ है। पहला स्तंभ है ब्रह्म है। कैसा है ब्रह्म? ब्रह्म की सत्ता, निराकार ब्रह्म की सत्ता, ये पूरा अस्तित्व जो तुम देखते हो, ये पूरा आकाश जो तुम देखते हो, ये जीवन है, ये जड़ नहीं है और यही परमात्मा है। ये सारा आकाश चेतन है। पोषण कहते हैं जिसने आकाश की चैतन्यता को जाना उसने ही ब्रह्म को जाना। तो सनातन धर्म की पहली घोषणा है ये ब्रह्म आकाश है, ये अचल है, ये सत्यम है, शिवम है, सुंदरम है, ये सत है, चित है, आनंद है। इसलिए आदि शंकराचार्य कहते हैं उत्तमो ब्रह्म सर्वा। सनातन धर्म की जो श्रेष्ठतम घोषणा है ब्रह्म, उस ब्रह्म को जानना, उस ब्रह्म में जीना, उस ब्रह्म को प्रेम करना हर सनातन धर्मी का कर्तव्य है, हर सनातन धर्मी का की एक भूमिका है। हर सनातन धर्मी से ये आशा की जाती है कि एक दिन उस ब्रह्म को जानो और उस ब्रह्म से जुड़ो और उस ब्रह्म के प्रेम में जी। सनातन धर्म का दूसरा स्तंभ है देव सत्ता है। पहला क्या था? ब्रह्म की सत्ता है। दूसरी घोषणा क्या है? देव की सत्ता है। देव में प्रमुख देव है भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव और भगवान विष्णु। भगवान शिव इस स्पिरिट वर्ल्ड के गवर्नर है कि जो मरने के बाद जब तुम उस लोक में जाते हो, परलोक में जाते हो, वहाँ बड़ा सुंदर प्रवर्तन है। अगर नर्क धरती पर है, नर्क नहीं है तो धरती पर ही नर्क है, लेकिन उस लोक में कोई नर्क नहीं है, कोई स्वर्ग नहीं है, बल्कि उस लोक में बहुत सारा लोक ही स्वर्ग है। इतनी सुंदर देख रेख की जाती है कि जो भी तकलीफ है वह यही है। वहाँ तो बड़ा विश्रांति है, वहाँ तो बड़ा आनंद है। इसलिए एक नर्क से डरना और स्वर्ग के लिए लोग में जीना
छोड़ दो। अगर कहीं नर्क है तो धरती पर है, अगर कहीं स्वर्ग है तो परलोक में है। इसलिए निश्चिंत होकर के जियो। और स्वर्ग के कई कर्म है, कई कर्म है, सात कर्म है। तार स्वर्ग पर वाले सुना धरे बुलाई कर, तो सात कर्म है। जितनी तुम यहाँ पहुंचाए, जितने उच्च कोटि के इंसान तुम होगे, उतने ऊंचे लोग तुम जाओगे। और सबसे उच्च लोग किसको प्राप्त होता है? जो मोक्ष को उपलब्ध होता है वो विश्व लोग को जाता है। बाकी जो मोक्ष को प्राप्त नहीं हुए, जितना सुंदर उन्होंने धरती पर किया है उसके अनुसार ऊंचे लोगों में तुम्हारी गति होती है। तो देव की सत्ता में मुख्य है भगवान ब्रह्मा, जाति जाति तय होता है कि किस तरह लोगों का हाथी कैसा बनेगा, मनुष्य कैसा बनेगा, घोड़ा कैसा बनेगा, चीटी कैसी बनेगी, इसका सारा डिजाइन ब्रह्म लोक में तय होता है। शिवलोक में क्या होता है? शिवलोक में जो भी यहाँ टूट फूट होती है उसकी रिपेयरिंग वो गैरेज से एक तरह से गाड़ी का, ताकि इतने सताए जाते हो, इतने शोषित किए जाते हो कि तुम्हारे और हवामंडल में टूट फूट होती है और उसकी फिर से रिपेयरिंग होती है, उस गाड़ी को फिर से ताजा किया जाता है और फिर से इस धरती पर तुम आते हो। तो दूसरी सत्ता देवलोक और भगवान विष्णु जो लोग मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, जो यहाँ रहते रहते आनंदित हो जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं, वो विष्णु लोग में निवास करते हैं। और भगवान विष्णु का काम है धरती पर धर्म का विकास, अध्यात्म का विकास। गीता की अमर घोषणा में सुनी होगी, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारतम् अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है हे अर्जुन, मैं तब तक इस धरती पर अवतार देता हूँ। तो जैसे भगवान विष्णु ने भगवान राम के रूप में अवतार लिया, भगवान कृष्ण के रूप में अवतार लिया, भगवान बुद्ध के रूप में अवतार लिया। तो दूसरी सत्ता देव की सत्ता है, और केवल देव की सत्ता नहीं है, अनेक अनेक देवों की सत्ता है। जैसे गणेश, भगवान गणेश ये भूमंडल का प्रशासन देखते हैं, भगवान कुबेर जल मंडल का भी, जल में अनेक जीव है, तुम्हारे धरती पर जितने जीव हैं उससे कई गुना जीव समंदर में रहते हैं, जल में रहते हैं, उनकी देखरेख कौन करता है? भगवान कुबेर करते हैं। और फिर तीसरा उपजो मंडल है, ये सारा अक्षर जो सृष्टि का देखते हो एक ऊर्जा से गवर्ण होता है, सबके हमारे भीतर भी अग्नि है, और ये समस्त जो क्षेत्र जो देखते हो ये ऊर्जा मंडल है। ऊर्जा मंडल का गवर्नर कौन है? अग्निदेव है। उसी तरह से वायुमंडल है, और वायुमंडल के तुम देखते हो ये हवाएं बहती है, इसके गवर्नर कौन है? वायुदेव है। ये वायुमंडल कौन सी हवा कब चलनी चाहिए ये सब वायुदेव देखते हैं। और फिर जो आकाश है इसके गवर्नर कौन है? भगवान इंद्रदेव है। सारे आकाश का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, टेम्परेचर को मेंटेन करना किसका दायित्व है? भगवान इंद्र का दायित्व है। शायद तुमको पता हो 48 डिग्री सेंटीग्रेड तो ऊपर अगर तापमान चला जाए तो चिड़िया गिरने लगती है, और 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर तापमान चला जाए तो खड़े खड़े वृक्ष सूख जाते हैं। इसलिए भगवान इंद्रदेव का दायित्व है कि टेम्परेचर को 48 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर नहीं जाने दें। 41, 42, 43, 44, 45 तभी इंद्र सतर्क हो जाता है और 48 के नीचे टेम्परेचर रुक जाता है। ये चमत्कार नहीं तो क्या है? कोई तो है जो इसका प्रबंधन कर रहा है, तो निश्चित वो प्रबंधन इंद्र देवताओं की सत्ता है, और देवताओं की सत्ता है उनसे जुड़ने का तरीका है। वैदिक ऋषि सीधम से बात करते थे, सीधम से जुड़ते थे, वे सुख खो गए थे, लेकिन हमें घोषणा करते हुए खुशी है ओषधारा में सारे सूत्र खोज दिए गए हैं। और तुम वैसे ही बात कर सकते हो जैसे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ।
जुड़ सकते हो, जैसे तुम जानते हो ओशो धाम है, विष्णु दरबार, हनुमान दरबार, शिव दरबार, मंत्र चिकित्सा, इनके माध्यम से तुम देवों से जुड़ सकते हो। और इसी ने मैं कहता हूँ, जहाँ कहीं मंदिर जाओ, गुरुद्वारे जाओ, वहाँ शीश झुकाओ, ये मत पूछो कि क्यों शीश झुकाना, हमने तो अपने मौज में अपना सर झुका दिया, अब खुदा मालूम कि वो काबा था कि वो खाना था, अरे मौज आए तो सर का झुकना बड़ी बात है, सर का झुकना बड़ी बात है। तो इसलिए नदी हमारे लोगों को देखो, इधर बड़ा थोड़ा सत्संग गंगा नदी का है, नदी में सर झुकाते वृक्ष को देखा, वृक्ष को सर झुका दिया, और देवता के नाम पर तप था और उसको भी सर झुका दिया। ये हमारे लोगों का वर्तमान था, ये सनातन धर्म का वर्तमान है कि हमें सिर झुकाना आता है, सिर झुकाना, और सिर झुकाना जिसको आता है मोक्ष का मार्ग देवता उसके प्रशस्त कर देते हैं। तो देव संस्कृति है। तीसरी तीसरा स्तंभ क्या है, ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ की सत्ता है, हमारे यहाँ चार वेद हैं, 108 उपनिषदों से भी लगभग 300 उपनिषद हैं, पुराण है, ब्रह्मसूत्र है, गीता है, इतने सारे ग्रंथ, इतने संतों की वाणी, गुरु ग्रंथ साहब है, बुद्ध का धम्मपद है, भगवान महावीर का जैन सूत्र है, इतने सारे ग्रंथ हैं, इन ग्रंथों की सत्ता है। हमारे यहाँ प्रावधान है कि स्वाध्याय करो, इन धर्म ग्रंथों का स्वाध्याय करो। और जो चौथी सत्ता सनातन धर्म की है वो गुरु की सत्ता है, बिन गुरु हो ही न ज्ञान, बिना गुरु के आत्मज्ञान नहीं होता, इस बात को ठीक से जान लो। इसलिए हमारे यहाँ सबसे बड़ी बीमारी निपुड़ा होती थी, बिना गुरु का है तुमको मालूम है, एक गुरु के पास गए, तीर्थ में हरिद्वार गए, वहाँ से प्रेम हो गया, तो सब उनके साथ आ गया घर पर, रोज खाना खिलाते थे, और तब तक वो गुरु अंगद देव जी से नहीं जुड़े, तुम सब जानते हो 70 वर्ष के गुरु हैं जो एक गुरु अंगद देव जी से जुड़े, उसके पहले गुरु नहीं जुड़े थे, रोज खाना खिलाते थे। सन्यासी ने कहा कि तुम्हारे यहाँ बड़ा प्रेम मिला, बड़ा सुख मिला, तुम्हारा गुरु कौन है? गुरु अमरदास जी ने कहा डॉक्टर मेरा तो कोई गुरु नहीं है। वो सन्यासी आता और जब छह टूट गया, कहा कि शांतम पापम शांतम पापम शांतम पापम, अरे मेरा पाप शांत हो, मैंने मिलना के आपको संभोजन किया। और उसी समय जैसे वो एक आशीर्वाद दे गया कि तुम्हारा शिष्य एक गुरु मिलेगा, और अंगद देव जी से गुरु अमरदास जी छोड़ करके सौदा हो गए। कभी कहते हैं जितना मिले जाए पापी मिले हजार, मैं हजार पापों को छेद सकता हूँ, किसी निमरा को नहीं छेद सकता। सनातन धर्म के दायित्व है कि अपना गुरु खोजो और गुरु से जुड़ो, निमरा की तरह जिंदगी मत जियो, सबका की तरह जिंदगी को जियो। सनातन धर्म का जो पांचवा स्तंभ है वो ध्यान है, वो ध्यान के स्तंभ पर सनातन धर्म खड़ा हुआ है। हर व्यक्ति को ध्यान जानना, ध्यान क्या है, ध्यान से परिचित होना है। कहते हैं शंकराचार्य उत्तम ब्रह्म संभाव, ब्रह्म को जानो, ध्यान भाव अवश्य मध्यमा, लेकिन उसके बाद ब्रह्म के बाद किसी चीज को जानना है या ब्रह्म तक जाने का जो रास्ता है वो तो ध्यान है। हर व्यक्ति को ध्यान से जुड़ना है। तो ये पांच सनातन धर्म के स्तंभ है जिसको हर सनातन धर्म को जानना है, और ये पांचों स्तंभ से जुड़ना है। और साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा, इसको अंग्रेजी में सोल एनालिसिस कहते हैं, सनातन धर्म स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट। सनातन धर्म का स्ट्रेंथ क्या है? सनातन धर्म का स्ट्रेंथ यह हमारे पांच स्तंभ है जिसकी चर्चा अभी अभी मैंने तुमसे की। सनातन धर्म की अपॉर्चुनिटी
इस सत्ता को संभाले है, ये हमारी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सुंदर सुंदर मंदिर बन रहे हैं, राम मंदिर बन रहा है, काशी का उद्धार हो रहा है, कितने सुंदर सुंदर कार्य हो रहे हैं सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का। आज से पहला अवसर पहले कभी नहीं था, कम से कम विगत 1000 साल में तो नहीं था। वीकनेस क्या है, हमारी कमजोरी क्या है? जैसे गंगा उद्गम पर निकलती है तो बड़ी शुद्ध चलती है, बड़ी शुद्ध गंगोत्री का जल लेते आपने पड़ता है, लेकिन जब वो गंगा बंगाल में पहुंचती है, पूरी नदी का रूप लेती है, तो गंगा थोड़ी मैली हो जाती है। ऐसे ही सनातन धर्म जब वैदिक काल से चला, सतयुग त्रेता द्वापर होते हुए आज का युग है, तो हमारी गंगा सनातन धर्म की गंगा थोड़ी मैली हो गई है। यहाँ जाति प्रथा आ गई है, और ये जो जाति प्रथा है, इस जाति प्रथा को हमको एराडिकेट करना है सनातन धर्म। ये वैदिक धर्म नहीं है, वैदिक धर्म में कोई जाति नहीं थी, तो ये जाति प्रथा का उन्मूलन करना है। भविष्य राजनैतिक कारण से कुछ पार्टियां को जात के आधार पर जज करना की मांग कर रहे हैं, वे समझते नहीं है कि जात को फिर से जिंदा करने का ये षड्यंत्र है। जबकि एक समय था कहीं जय प्रकाश नारायण के समय में कि लोग अपना जातिगत उपनाम ड्रॉप कर रहे थे, आंदोलन चला था कि जात सूचक उपनाम ड्रॉप करो, लेकिन फिर से ये जो मंडल कमीशन आया जातिगत, ये जो सुरक्षा जिसका आरक्षण किया गया, इससे फिर से जाति जिंदा हो गई। अब तो जात के आधार पर जनगणना की मांग हो रही है, नहीं, सनातन धर्म से हमें जाति को विदा करना है। वैदिक धर्म में जैसा समाज था उस धर्म पर हमको इसको ले जाना है, तो ये हमारी कमजोरी है, इसको विदा करना है। और फ्रेंड्स क्या है, हमारे सामने चुनौतियाँ क्या है, कुछ कर्तव्य तत्व है जो सनातन, कुछ हमारे भीतर है, कुछ हमारे बाहर है, कुछ वामपंथी हैं, वे सब मिलकर सनातन धर्म को वृद्ध दृष्टि से देखते हैं, नोचने खचोटने की तरह देखते हैं, धर्मांतरण के जोर से सनातन धर्म को समाप्त करने की प्रवृत्ति रखते हैं। इन सब तत्वों से हमको सावधान रहना है, और हमें कभी भी डरना नहीं है। हर सनातन धर्म के घर में अस्त्र शस्त्र होना चाहिए। तुम्हारे संतान भगवान विष्णु को देखो, भगवान राम को देखो, भगवान कृष्ण को देखो, देखो सबके हाथ में शस्त्र है। भगवान विष्णु के हाथों में चक्र सुदर्शन है, भगवान कृष्ण के हाथों में चक्र सुदर्शन है, भगवान राम के हाथों में धनुष बाण है। तो जब तुम्हारे अवतारों के हाथों में अस्त्र है, तुम्हारे घर पर अस्त्र क्यों नहीं होना चाहिए? इसलिए गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, सबके हाथों में शस्त्र करो, और आज के घर में सबके हाथों में निर्माण है। इसी तरह हर सनातन धर्म के हाथों में न सही, हर सनातन धर्म के घर पर अस्त्र शस्त्र होना चाहिए, ताकि वो अपनी आत्मरक्षा कर सके। तो ये मैंने बताया सनातन धर्म क्या है, सनातन धर्म का जो सोच लाल से हमारे स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, थ्रेट क्या है, तो इस प्रश्न का था कहो एक्नॉलेज किया। सनातन धर्म के 5 स्तंभ है, जिसमें एक प्रमुख है ध्यान, उत्तम ब्रह्मचर्य भाव ध्यान भाव मध्यमान स्तुति जप अधम भाव स्कूल में पढ़ रहे हो, अगर तुम बाहर पूजा पाठ करते, अच्छी बात है, बिना प्राइमरी स्कूल में पढ़े हुए तुम यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकते। शुरुआत कहाँ से करनी है, पूजा पाठ से करनी है, मंदिर जाओ, पूजा पाठ करो, सब करना है। और जहाँ मंदिर दिखे
संत से ध्यान को जानो और ध्यान में डुबकी लगाओ। तुम हाई स्कूल के विद्यार्थी होकर उन तमाम ब्रह्म सद्भाव और अपने गुरु से ब्रह्म को जानो और ब्रह्म के प्रेम में पढ़ो, भक्ति की यात्रा पर चलो। ये सबसे उत्तम तुम्हें यूनिवर्सिटी में चले गए बिल्कुल तो अच्छा पूछा है ध्यान क्या है। तो ध्यान क्या है इसको प्रयोग करा देते हैं 3-4 मिनट, उससे सब ध्यान से परिचित हो जाओगे। तो सुखासन में बैठ जाओ, ज्ञान मुद्रा में बैठ जाओ। ये ज्ञान मुद्रा ध्यान में तुरंत ले जाता है। अंगूठा और तर्जनी को छोड़ दो, आंखें बंद कर दो, अपने होने को महसूस करो, छोड़ो संसार, अपने होने को महसूस करो। सांसों पर ध्यान दो, सांस आ रही है, सांस जा रही है, सांसें धीमी लंबी गहरी। भीतर देखो, मन आंखों से भीतर देखो। जब आंखें खुलती है तो कोई ना कोई आकार दिखता है, मनुष्य, पशु, जानवर, वृक्ष, सूरज, चांद, तारे। लेकिन जब आंख बंद होती है तो कुछ भी नहीं दिखता, एक शून्यता दिखती है, निराकार दिखता है। अभी तो बैठे हो, विचार चल रहे हैं। अब सांस लो और सांस रोको, जितने देर आराम से जब सांस रोकना मुश्किल हो तो सांस छोड़ो, फिर सांस लो, सांस रोको। इसको अंतर कुंभक कहते हैं। और देखो, जब तुमने सांस रोक लिया तो कोई विचार नहीं चल रहा है। जिन विचारों से तुम इतने परेशान होते हो, अभी देखो वे विचार पूरी तरह तिरोहित हो गए, कोई विचार नहीं। इस स्थिति का नाम निर्विचार स्थिति है। जितने भी निर्विचार को देख रहे हैं वे एक हाथ उठा रहे, कोई विचार नहीं है। बहुत सुंदर, कई मिनट देख रहे, थोड़ी देर और देख, देखो क्या कोई विचार है। जब तुमने सांस लो लिया तो विचार की कोशिश करो, कोई विचार आता नहीं है। देखा, जिन विचारों से तुम इतने परेशान हो वे कहां गए? ध्यान में विचार का कोई अस्तित्व नहीं है। यहां से ध्यान शुरू हो रहा है, ध्यान में विचार नहीं होता। प्रयोग जारी रहेगा। अब अंतर प्रभाव में विषय को देखो, कितने विषयों पर तुम्हारा चित्त भटकता है। अब देखो सारे विषय कपूर की तरफ उड़ गए। अब तुम्हारे चिंतन का कोई माध्यम नहीं है। सारे विषय, सारी वासना समाप्त हो गए, कोई विषय नहीं है। इस स्थिति का नाम है निर्विषय, कोई विषय नहीं। पहले जाना निर्विचार। कितने लोग निर्विचार और निर्विषय दोनों स्थिति को देख रहे हैं, एक हाथ उठा रहे हैं? बहुत सारे लोग, बिल्कुल हाथ नीचे करते और देखते रहे, देखते रहे कि कोई विचार नहीं है, देखते रहे कि कोई विषय नहीं है। बिल्कुल सेम सॉन्ग है, जैसे ब्लैक बोर्ड पर कुछ भी नहीं लिखा है या स्मार्ट बोर्ड पर कुछ भी नहीं लिखा है।
बिल्कुल स्लेट कोरी है, जैसे कागज पर कुछ भी लिखा नहीं है, कोरा कागज, बिल्कुल तुम्हारी चेतना का ही कोरा कागज है, कोई लिखावट नहीं है, साफ है सब कुछ, निर्मल है सब कुछ। इस स्थिति को ही निर्मल दशा कहते हैं। न कोई काम है, क्रोध है, लोभ है, वो है, न ईर्ष्या है, न द्वेष है। तुम अभी गंगा की तरह निर्मल हो गए हो, जिसके लिए कबीर कहते हैं, कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा के पीछे पीछे हर चले। कह कबीर कबीर, फिर तुमको परमात्मा के पीछे भाग नहीं होता है, परमात्मा तुम्हारे पीछे भागता है। अगर तुम इस निर्मल दशा को प्राप्त हो जाते हो, निर्विचार, निर्विषय, निर्विकार, निर्विकार स्थिति है, या कामना नहीं है, देखो क्या कोई कामना है, नहीं, क्या क्रोध है, नहीं, क्या कोई लोभ है, नहीं, क्या कोई मोह है, नहीं, क्या कोई ईर्ष्या है, नहीं, क्या कोई द्वेष है, नहीं। इसको निर्विकार दशा कहते हैं। तो अभी तक तुमने स्थिति देखी निर्विचार, तुम निर्विचार हो गए, तुम निर्विषय हो गए, तुम निर्विकार हो गए। और अब देखो क्या कोई आकार है वहां, कोई पशु, कोई पंछी, कोई मनुष्य, कोई देवता, कोई विषय, कोई आकार नहीं दिख रहा। कोई आकार नहीं, इसको तो निराकार कहते हैं। ये जो तुम देख रहे हो इसमें आकार नहीं है। गौतम बुद्ध इसको शून्यता कहते हैं। ऋषि हमारा इसको निराकार कहता है। कोई आकार नहीं, बस शून्य है, तो देख रहा है, ये है निराकार। जितने लोग इस निराकार को देख पा रहे हैं, एक हाथ उठा दें। बिल्कुल अधिकतर लोग इस निराकार को देख रहे हैं। अब जरा प्रेम से देखो, अब जरा भाव से देखो। मूल का प्रकार नहीं पा रहा अपने आप को, आप ही गोया मुसाफिर, आप ही मंजिल हो गए। अभी तुमको स्वयं से मुलाकात हो रही है, जिंदगी भर कभी हो गए उसे भर, आज तक हमसे हमारी न मुलाकात हुई, आज तक हमसे हमारी मुलाकात हुई। इसको थोड़े काल तक देखते रहे, इसका नाम है ध्यान। कम से कम 5 मिनट, अधिक से अधिक 1 घंटा ध्यान में बैठा जाता है, और बैठ करके इसको देखा जाता है। इसमें रीढ़ की हड्डी सीधी हो तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि ऊर्जा इसमें ऊर्ध्वगामी हो जाती है। अभी सारी ऊर्जा तुम्हारी सहस्रार पर पहुँच गई। एक हाथ अपने सिर के ऊपर रखो और आंखें बंद किए हुए रहो। अब तुम्हारी ऊर्जा ऊपर दौड़ती हुई भागने लगेगी। सिर के ऊपर रखो और तुम देखोगे सिर थोड़ा मीठा मीठा गर्म होता जा रहा है, मीठी मीठी वहां शुरू हो रही है। अभी वो धप 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 शुरू हो गया, एक सुगुगाहट, एक मीठी गुदगुदी, एक सुरसुरी, एक मीठी ऊष्मा, और तुम्हारी ऊर्जा अभी सहस्रार पर है, सहस्रार पर है। हाथ नीचे कर लो, लेकिन फिर भी ध्यान सहस्रार पर रहे, सिर के ऊपर रहे, और महसूस करो कि वहाँ छोड़ रहा है, मीठा स्पंदन हो रहा है, मीठी सुरसुरी, मीठी गुदगुदी, कुछ हो रहा है। उस कुछ का जो भी नाम दो,
मगर को छो रहा है। कितने लोग महसूस कर रहे हैं कि सीट के ऊपर छो रहा है? एक हाथ उठा लो। अधिकतर लोग महसूस कर रहे हैं, इसी का नाम ध्यान है। निराकार को देखते रहो और अपने सिर के ऊपर संस्कार पर महसूस करते रहो। मीठा स्पंदन, इसका नाम ध्यान है। जितनी देर मौजा है इस पर तुम बैठ सकते हो। रोज सवेरे और शाम इस ध्यान को करना है, इस ध्यान को करना है। अगर तुम गुरु से जुड़ गए हो तो गुरु का ध्यान करके फिर इस ध्यान में प्रवेश करना है, तो ध्यान में जाना और आसान है। जो लोग गुरु से जुड़े हैं, अपने गुरु की याद करें, गुरु के चेहरे को याद करें और फिर इस निराकार में प्रवेश करें, तो ध्यान बड़ा आसान हो जाता है। आपके ध्यान में आपके गुरु का सहयोग मिलने लगता है। एक मिनट मैं शांत हो रहा हूँ, एक मिनट तुम इसको प्रेम से अपनी आत्मा को देखो और सिर पर सिकंदर महसूस करो। सोचो 5 मिनट के ध्यान नहीं किया कितना मजा आया, और 50 मिनट ध्यान करोगे कितना मजा आ सकता है। भीखा साहब कहते हैं, भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी कुंडली नाल, कोई गरीब नहीं है, कोई भी नहीं है, सबके पास नाल है, हीरा है, मणि है, जवाहर है, लेकिन फिर जो गरीबता हीरा खुल देता है। गुरु से जुड़कर उस गीता को खोलो और फिर उस ताल ताल के आत्मा उस आत्मा को पालो। ये बड़े से बड़ा रहस्य है, एक बड़े से बड़ा रहस्य है कि सबके भीतर आत्मा है लेकिन हम जानते नहीं। आत्मा को भुला करके जीना मर्यादा है, दुख है।